पीसीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ये एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मेरिट क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आज हम बात करेंगे पीपीएससी के बारे में, मतलब पब्लिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पीसीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ये एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मेरिट क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि कौन कौन से कितने एग्ज़ाम होते हैं इस पीसीएस के अंडर। तो पहला एग्ज़ाम आपका प्रीलिम का होता है, दूसरा मेन्स का होता है और तीसरा इंटरव्यू राउंड होता है। ये रहे हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पैटर्न, जिसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं, एक जीएस के और दूसरा सीसेट का। जीएस में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और सीसेट में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है। जीएस के जो पेपर होते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपकी 2.5 मार्क्स की होती है। टोटल मार्क्स आपके दोनों में 200 के होते हैं। दोनों पेपर का टोटल मार्क्स 200 मार्क्स होते हैं जी। आइए हम बात करते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें आपका एवरीडे साइंस, दूसरा आपका एनवायरमेंट स्टडी, तीसरा आपका पॉलिटिकल थियोरीज एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी या पंजाब ज्योग्राफी हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन सब के बारे में आपका क्वेश्चन आता है। इन सब टॉपिक से ही आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये रहा हमारा एप्टीट्यूड, मतलब सीसेट के पेपर, जिसमें आपका रीडिंग कंफर्मेशन, इंटरनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरिकल स्किल, इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन होते हैं सीसेट के पेपर में। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके सब्जेक्ट्स नेम, इसके मार्क्स और कितने समय आपको मिलता है। तो पहला पेपर आपका पंजाबी का होता है, दूसरा आपका इंग्लिश कंपलसरी है, 10+2 के इंग्लिश पूछे जाते हैं, ऐसे हो गए। जीएस के 4 पेपर होते हैं, पहला पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तीसरा इकोनॉमी स्टैटिक्स एंड सिक्योरिटी इशू, और चौथा आपका साइंस और टेक्नोलॉजी। पहला पंजाबी का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, दूसरा इंग्लिश का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, इससे आपके 150 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट आपको 250 के होते हैं, पेपर 2 आपके 250 के होते हैं, पेपर 3 आपके 250 के होते हैं और पेपर 4 भी, मतलब जीएस के चारों पेपर आपको 250 के होते हैं। और इन सभी को, इन सारे पेपर्स को करने के लिए आपको 3 घंटे की समय मिलती है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 25 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत के लिए 125, जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 5 सीट, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है। वाटर रिसोर्सेज के लिए 67, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए 13, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लिए 585, वाटर रिसोर्सेज के लिए 27। ये आपके पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, जिसमें आपको 67 सीट मिल जाएंगे। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 13 सीट है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको 585 सीट है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको 27 सीट। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, आपको पीपीएससी बीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस के जितने भी होते हैं, स्टेट्स के अंदर जितने भी एग्जाम्स होती है, या आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और आप इंस्टीट्यूट देख रहे हो, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 26, 27, 28 और 29 को। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।